नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर नुज़हत परवीन सिद्दीकी। हमारी आज की चर्चा है संक्रामक बीमारियाँ। बरसात का मौसम बीमारियों को न्योता देने वाला मौसम होता है, क्योंकि इस मौसम में बारिश से कई स्थानों पर जल जमाव, कीचड़, गंदगी से पैदा होने वाले मच्छर और बैक्टीरिया बीमारियाँ फैलाते हैं। इसके अलावा मौसम में नमी की वजह से बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं, जो पानी और खाद्य पदार्थों को दूषित कर शरीर की बीमारियों का कारण बनते हैं। मलेरिया, डेंगू, डायरिया, हैजा, चिकनगुनिया, ये बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं। बरसात का मौसम बीमारियों को न्योता देने वाला होता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। तेज धूप निकलने से बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। अस्पतालों में आम दिनों से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। डायरिया, बुखार, खांसी, वायरल फीवर, मलेरिया और त्वचा रोग संबंधित रोगों के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। जिला अस्पताल में ही दो दिनों में मरीजों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हुई बारिश के बाद धूप निकलने के कारण अचानक बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। बारिश के बाद मौसमी बीमारियां कहर बनती जा रही हैं। घरों से लेकर अस्पतालों तक मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पिछले दिनों की बारिश के बाद खासकर ग्रामीण अंचल में बड़ी संख्या में लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी से शुरू हो रहा असर वायरल और मलेरिया तक पहुँच रहा है। ग्रामीण इलाके में अधिकांश लोग डायरिया की चपेट में हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिसमें 3 से 4 लोग पीड़ित हैं। मध्य प्रदेश में बारिश के चलते एक बार फिर डेंगू बुखार का खतरा बढ़ गया है। भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में डेंगू फैलना शुरू हो गया है। भोपाल के डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 90 हो चुकी है। जांच में 6 और डेंगू के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। अगस्त महीने की बात करें तो अब तक 30 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। डेंगू को लेकर डॉक्टरों का कहना है, शुरुआत में सामान्य से लगने वाला ये बुखार देरी या गलत इलाज से जानलेवा साबित हो सकता है। बरसाती बीमारियों से कैसे बचे? घरों में पानी की टंकी या पानी स्टोर करने वाले बर्तन को रोजाना साफ करें। बासी व दूषित भोजन का सेवन ना करें। खान पान की आदतों में स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। चौक चौराहों पर बिकने वाले सामानों को ना खाएं। किसी भी जगह पानी को ज्यादा देर तक जमा होने ना दें। जल जमाव स्थल पर ब्लीचिंग का छिड़काव करें। इसी सब पर है आज हमारी चर्चा, और इस चर्चा में मेहमान शामिल है हमारे साथ, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर जेपी पॉलीवाल चिकित्सक हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर सुधीर पांडे आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, बहुत स्वागत है। और मणि प्रभा सिंह जो कि सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले डॉक्टर पॉलीवाल आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह हर बार होता है कि बरसात के मौसम में कई बार बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, पनपती हैं, और बच्चों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि डायरिया, बुखार, इस तरह की समस्याएँ, पर अभी डेंगू और चिकनगुनिया की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और मरीजों की संख्या लगातार इससे लेकर बढ़ती जा रही है। देखिए, संक्षिप्त में हम यदि बीमारियों का वर्गीकरण करें तो जहाँ पर भी संक्रमण हो गए, संक्रमण 4 प्रकार का होता है। एक बैक्टीरिया का होता है जी, दूसरा वायरस का होता है, तीसरा पैरासाइट्स का और चौथा फंगस का जी। इन चारों का जो संक्रमण का जो दर होता है वो निर्भर करता है कि वातावरण कौन सा, जलवायु कौन सा या मौसम कौन सा है। जब गीला और नमी युक्त के साथ साथ हॉट एंड ह्यूमिड, जैसे गर्म और नमी युक्त वातावरण में ये जो बीमारियां होती हैं, इनका संक्रमण तेजी से बढ़ता फैलता है। बारिश के दिनों में हम देखते हैं कि कई बार बहुत एकदम बारिश बहुत होने के बाद जगह जगह जलभराव होता है। जलभराव स्वच्छ भी होता है और बहुत गंदा भी होता है। ये बहुत अनुकूल वातावरण होता है खासकर मच्छरों के लिए और बाकी कीड़े मकोड़ों के लिए। और यदि बैक्टीरिया या वायरस की बात करें तो इनके पनपने के लिए सर्वोच्च जो सबसे बेहतर तापक्रम होता है वो नमी युक्त गर्म तापक्रम। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे ही बारिश समाप्त हुई और मौसम खुला और धूप तेज निकली तो मैं समझता हूँ कि पैरासाइट सभी के लिए बड़ा अनुकूल वातावरण होता है। ऐसे में बहुत तेजी से बीमारियां पनपती हैं और बढ़ती हैं। और इसमें कई बार जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू वो ये है कि हम लोगों की लापरवाहियां, छोटी छोटी लापरवाहियां या नादानियां, लापरवाही हर बार नहीं होती, कई बार नादानी होती, लापरवाहियां या नादानियां हमको इन रोगों की तरफ धकेलने में या रोग से ग्रसित कर संक्रमित करने में कई बार जिम्मेदार होती हैं। जैसे कई बार हम गर्म पानी में नहा रहे हैं, कई बार हम बारिश के पानी में भीग रहे हैं, गंदे पानी के साथ हम खेल खेल रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे आम जनमानस वाकिफ तो है परंतु वो नादानी करे बगैर मानता भी नहीं है। डॉक्टर सुधीर पांडे जी आपसे समझना चाहेंगे, किस इस मौसम में किस तरह की ज़्यादा बीमारियां बढ़ने की गुंजाइश होती है और उनसे बचने के, इन्फेक्शन से बचने के क्या कुछ तरीके आयुर्वेद के हिसाब से अपनाने चाहिए? या इस समय क्या है, चारों तरफ बारिश है, बारिश का मौसम, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, ऐसी स्थिति में अतिसार है,
संगयणी है, प्रवाहिका है, विसूचिका यानी हैजा है, और इसके अलावा जो है सामान्य रूप से जो है मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। और इनसे हमें बचने के लिए सबसे बड़ा ये देखना चाहिए कि पानी का भराव कहीं ना हो, ठहरा हुआ पानी कहीं ना हो, कहीं पानी रुके ना, तो ऐसी स्थिति में हमें उसका जो है पानी का स्टोरेज नहीं करना चाहिए। तो जहाँ पर भी गड्ढे इत्यादि में पानी है उसको हमें खाली कर देना चाहिए। कूलर इत्यादि में अगर घर में पानी में भरा हुआ है उसको भी खाली कर देना चाहिए। टायर इत्यादि में जो छतों में पड़े रहते हैं उसमें भी पानी का स्टोरेज होता है, और इसमें भी बैक्टीरिया वायरस पनपते हैं और संक्रमण होता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ 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 पानी रुक सकता है वहाँ पानी को रुकने नहीं देना चाहिए। तो अपनी छत की साफ सफाई इत्यादि भी करना चाहिए, और पानी का अगर स्टोरेज नहीं रहेगा, सभी तरह सूखा रहेगा, तो इन बीमारियों से हम बचा जा सकता है। और इसके अलावा हम खुले स्थान पर जो कोई भी खाने की वस्तुएं हैं उनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मक्खी मच्छर इस समय ज़्यादा पनपते हैं और वो संक्रमण के लिए उत्तरदायी रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम खुली चीज़ें जो ढकी ना हो उनको हम सेवन करने से बचना चाहिए। जी। ये हमारे लिए बचने के खास उपाय हैं जिससे हम इन बीमारियों से को रोका जा सकता है। जी डॉक्टर मणिप्रभा जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह डॉक्टर सुधीर पांडे जी ने बार बार ये बात कही कि जल भराओ, ऐसी चीज़ें जहाँ जल भरने की गुंजाइश लगती है उसको ठीक से रखना चाहिए, उसमें जल भराव नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जल भराव से ही ज़्यादातर बीमारियाँ पनप सकती हैं, बैक्टीरिया या मच्छर उसमें पनपते हैं और कहीं ना कहीं उसका असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या हर बार ऐसा होता है कि बारिश के समय या बारिश के बाद बीमारियां बहुत ज़्यादा, जो इन्फेक्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे लोग बीमार पड़ते हैं, अस्पताल में संख्या बढ़ती है, क्या नगर निगम की तरफ से इस पर किसी तरह का कोई काम किया गया कि इस तरह की बीमारियां जो डेंगू के मरीज, चिकनगुनिया के मरीज, इस तरह के ज़्यादा, जाहिर सी बात है वो मच्छर की वजह से ही ज़्यादा परेशानी है, मच्छर पनप रहे हैं पानी, तो क्या इससे बचाव के लिए नगर निगम से की तरफ से कोई तैयारी पहले से थी? देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई बरसात का मौसम है, कंडीशंस ऐसी होती हैं कि बीमारियां बढ़ती हैं जी, उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं, बस उससे बचाव और रोकथाम किया जा सकता है। तो नगर निगम की ये जिम्मेदारी है कि भाई नालियों को साफ रखे, आसपास जहां पानी जमा हो रहे हैं वहां पर चेक करे। तो हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम लोग जाकर देखें कि नगर निगम में का जो काम है कि नालियां ठीक से साफ़ हो रही हैं, आसपास कचरा तो इकट्ठा नहीं हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब तो बोल रहे हैं पर वो हर जगह वो लोग नहीं पहुंच कर सफाई नहीं करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज की, लोगों की और नगर निगम की सबकी जिम्मेदारी होती है कि जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, नाले हैं, वहाँ पर पानी इकट्ठा ना हो, गंदा पानी इकट्ठा ना हो, तो इसके लिए थोड़ा सा और अवेयरनेस फैलाएँ और काम को करें। जी डॉक्टर पॉलीवाल, आपसे समझना चाहेंगे कि इस तरह की समस्याएं जो पैदा हो रही हैं, जो मौसमी बीमारियां फैल रही हैं लोगों में, उससे किस तरह बचा जा सकता है, और अगर खान पान की बात करें तो किस तरह का खान पान लेना चाहिए? देखिए, सरल सी चीज़ें, जो ये मौसम जैसा मैंने बताया था कि बैक्टीरिया और वायरस और फंगस और पैरासाइट सभी के लिए पनपने के लिए बड़ा अनुकूल होता है। बीमारी हमारे शरीर तक आती कैसे है, हमें पहले उस वाहन को समझना पड़ेगा, उस संवाहन को समझना पड़ेगा। बीमारियां अक्सर जो भी मानव शरीर में आती है या इवन जीव अन्य जीव जंतुओं में, प्राणियों में भी आती है, उसमें सबसे बड़ा संवाहक मक्खी और मच्छर होता है। कभी कभार हम कॉकरोचेस को भी देखते हैं कि कॉकरोच गंदी जगह पर बैठा है और उसके बाद वही कॉकरोच छोटा सा हमारे भोजन पर आके बैठ गया और भोजन पाने के साथ साथ भोजन खाया चला गया। तो खासकर जो घर में रहने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जिसमें खासकर कॉकरोच आता है, मक्खियाँ रहती हैं और मच्छर रहते हैं, इन तीनों से हम अपने भोजन को, अपने पानी को और अपने आहार को कैसे बचा के रखें, वो आहार किसी भी स्वरूप में हो सकता है, कैसे बचा के रखें, ये बहुत बड़ा विषय होता है। सामान्य तौर पर जब हम भोजन के लिए बैठते हैं तो मक्खी कई बार भोजन पर बैठने के बाद उड़ जाती है। हमारे जेहन में कई बार ये तक नहीं आता कि ये कोई बीमारी लेकर आई होगी, और जरा सी देर बैठने पर वो बीमारी का कीटाणु छोड़कर जा रही है। मक्खियों के बारे में बात करेंगे तो ये मक्खियों के प्रजनन का समय होता है पूरे वर्ष में। इस वक्त मक्खियों की संख्या अचानक बढ़ती है, आप देखते हैं कि कहीं पर भी खुली जगह है तो मक्खियों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। इसके बाद यदि हम मच्छरों की बात करें तो मच्छरों के लिए भी जो अगला महीना होगा वो प्रजनन का उनके लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है वर्ष में। तो ये जो अगले आने वाला ये महीना, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, खासकर ये अगस्त और सितंबर मक्खियों के लिए,
और सितंबर और अक्टूबर मच्छरों के प्रजनन का समय होता है, तो इस वक्त इनकी संख्या में अचानक इजाफा होता है। और जब ये बीमारियों के संवाहक होते हैं तो हमसे इन संवाहकों से हम अपने आप को कैसे बचा कर रखें उस पर गौर करने की जरूरत है, और बहुत छोटी छोटी गौर करने की जरूरत है। मैं डॉक्टर नुसरत आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं वर्षों से भोपाल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं पिछले 10 सालों में बहुत अलग स्वरूप देख रहा हूँ। पहले मलेरिया जैसी बीमारियाँ जो घातक स्वरूप में आती थी बहुत ज़्यादा रहती थी, बहुत कमी आई है मलेरिया में और कॉलेरा हैजा इस तरह की बीमारियों उल्टी दस्त में। लेकिन यदि हम डेंगू और चिकनगुनिया की बात करें तो इनकी संख्या इनका स्तर बढ़ा है, इनकी संख्या बढ़ी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में शासन प्रशासन के साथ साथ समाज ने जो जागरूकता दिखाई तो इस पर भी कहीं ना कहीं प्रभावी नियंत्रण आता हुआ दिखाई दे रहा। स्वरूप निश्चित तौर पर चिंता वाला है, पर इस चिंता के साथ साथ यदि हम योजना और हमारे मन मस्तिष्क में इसकी जानकारी लेकर रखें कि हम कैसे इनसे बच सके, तो मैं समझता हूँ कि अगले कुछ वर्षों में शायद ये स्तर और नीचे चला जाएगा। परंतु फिर भी डेंगू और चिकनगुनिया निश्चित तौर पर आज की तारीख में बहुत प्रभावी रूप से मानव शरीर को प्रभावित करने वाली खतरनाक बीमारियों में आती हैं। और साथ ही कभी कभार हम ये देखते हैं कि स्वाइन फ्लू जैसी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू के कारण ये मच्छर नहीं होते, उसमें तो एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से संपर्क में आने और सर्दी खांसी जुकाम से होता है। तो बहुत छोटे छोटे हमारे यदि हम उपाय रखेंगे, बहुत छोटी छोटी सावधानी रखेंगे, जन जागृति के साथ साथ समाज अपना जिम्मेदारी निभाए और शासन प्रशासन अपना जिम्मेदारी निभाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे परिणाम आने की बहुत अच्छी संभावना रहेगी। डॉक्टर सुधीर पांडे, आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि अभी डॉक्टर पोलीवाल ने कहा, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी ये जो समस्याएं हैं होती हैं ये समय ज़्यादा होती, तो इसको हम समझना चाहेंगे डेंगू के क्या कुछ लक्षण हैं, उससे बचाव के क्या कुछ तरीके हैं, और अगर किसी को इस तरह का बुखार आ रहा है तो वो क्या कुछ करे। जैसा कि अभी लक्षण ने बताया, तो ये जो पानी में जो मच्छरों की वजह से जो डेंगू जो है फैल रहा है, तो हमने जैसा कि बताया कि पानी को हम स्टोर ना होने दें। और इसमें क्या है कि सामान्य रूप से बुखार जो है जब चढ़ता है तो बुखार जो है 102-103 डिग्री फारेनहाइट तक जो है आ जाता है, और धीरे धीरे जो है 6 से 7 दिन तक बना रहता है। उसके बाद में कहते हैं अगर ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्थिति में रहता है तो चकत्ते पड़ना चालू हो जाते हैं, और ये ब्लड प्लेटलेट्स की कमी की वजह से ये होता है। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो हमें तत्काल जो है हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसका तत्काल इलाज लेना चाहिए। और जैसा कि पानी का स्टोरेज जो है उस पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस मौसम में पीलिया और स्किन डिसीज भी ज़्यादा फैलती है, और कंजक्टिवाइटिस भी बहुत फैलता है, आँखों का रोग जो है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक दूसरे से हाथ मिलाना जो है हाथ मिलाना नहीं चाहिए, और पानी को उबाल के पीना चाहिए। पानी 20 मिनट तक उबाल लें, छान लें और ठंडा करके उस पानी को हम पिएं। और किसी भी खुले जगह पर कोई वस्तु रखी हुई है अगर वो ढकी नहीं है, मक्खियाँ बैठ रही हैं, उन वस्तुओं को तो हम बिल्कुल ना खाएं, सड़ी गली चीज़ों को बिल्कुल ना खाएं। इस समय हरी सब्जियों में भी जो है हैचिंग होता है, एग रहते हैं, तो इस समय जैसे पालक इत्यादि की ऐसी हरी सब्जियाँ उससे भी खाने से बचें, क्योंकि उसमें भी संक्रमण का डर रहता है। तो ये चीज़ें हम अगर अख्तियार करेंगे तो निश्चित ही हम जो है इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। जैसा कि आपने कहा डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ इलाज होना चाहिए, घरेलू अगर इलाज की बात करें? जी हाँ, तो क्या कुछ लेना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने सही पूछा। आयुर्वेद में क्या है कि इस समय काफ़ी शोध हुए हैं और ये देखा गया है कि गिलोय जो है, गिलोय के सेवन से ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को अगर क्या कहते हैं डेंगू का है, तो हम जो है उसको जो है गिलोय का चूर्ण जो है देते हैं। इसके अलावा पपीते के पत्ते का रस, नए शोध में साबित हो चुका है कि पपीते के पत्ते रस का अगर सेवन करवाएं तो ब्लड प्लेटलेट काउंट बढ़ते हैं। तो जैसे ही फीवर अगर आता है तो हमारे यहाँ क्या है कि कुछ प्रिपरेशंस ऐसे हैं जिसमें इन सामग्री ये पड़ी रहती हैं, ये औषधियाँ रहती हैं, तो इसमें कुछ प्रोफाइलेक्टिकली हमें जो है गिलोय का चूर्ण जो है लेते रहना चाहिए। इसी प्रकार से महासुदर्शन चूर्ण है, इसका भी हम बरसात के समय में अगर फीवर आने पर तत्काल शुरुआत कर देते हैं तो हम ऐसी स्थिति मरणासन पोजीशन पे नहीं पहुंचते हैं, और बल्कि जो है जल्दी से जल्दी हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। और अगर ब्लड प्लेटलेट काउंट हम करवाते रहें, अगर ब्लड प्लेटलेट्स जो है 1 लाख से नीचे आना चालू होते हैं तो फिर जो है डॉक्टर को उसे कंसल्ट करना अत्यावश्यक है। जी मणिप्रभा जी, जैसा कि अगस्त माह में, जुलाई से अगस्त माह में देखा जाता है, हर बार हर साल ऐसी समस्याएँ होती हैं,
तो क्या कुछ तरीका होना चाहिए इससे, इस तरह की जो परेशानियां होती हैं लोगों को उससे बचने के लिए, क्या किसी तरह की कोई तैयारी होती है? अगर नहीं होती तो किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए? देखिए, समाज में हर किसी, हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है, हर कोई नहीं समझता है। फिर भी हम लोग एक सोशल वर्कर के लिए हम ये काम करते हैं कि जगह जगह पर एक कैंप लगाकर अवेयर करें कि भाई गिलो और पपीते के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुरंत आप अगर डॉक्टर के पास जाएं, ये भी देखा जाता है कि जो मार्केट वगैरह है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे खान पान की ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिनका कोई सही तरीका नहीं होता, रख रखाव का, ढाकने का कोई सही तरीका नहीं होता। बावजूद इसके धड़ल्ले से सब चीज़ें बाजार में बिकती हैं, लोग खाते हैं, बीमार होते हैं, तो क्या उस पर भी किसी तरह की कोई बंदिश होती है, ये रोक होनी चाहिए? देखिए, रोक तो हर चीज़ पर होना चाहिए। बरसात के महीने में सिर्फ हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी ये है, समाज, प्रशासन, सबकी जिम्मेदारी है कि जो खुले सामान मिल रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाए कि इस तरह से नहीं मिलना चाहिए। अब जहाँ कम मिलता है, कम पैसे में कोई चीज़ मिली या अच्छी मिली, ठंड में खा लिया, गर्मी में खा लिया, उसका इफ़ेक्ट नहीं होता है, पर उसी स्पीड से लोग बरसात में भी इस्तेमाल करते हैं। तो बरसात में उन लोगों को अवेयर करना चाहिए कि खुली चीज़, एक तो बेचने वाले पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए और ख़रीदने वाले पर भी, कि भाई खरीदोगे तो आप बीमार पड़ोगे और परेशान होगे। तो इसमें डॉक्टर, समाज, प्रशासन, सबकी जिम्मेदारी ये होती है कि अगस्त और सितंबर के महीने में जब इस तरीके की परेशानियाँ आती हैं तो पानी इकट्ठा ना हो, खुले सामग्री ना बिके, नालियाँ ठीक से साफ हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। जी डॉक्टर पॉलीवाल, इस तरह की समस्याएं, अगर बुखार की बात करें कि पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा बुखार आ रहा है, जैसे चिकनगुनिया है, उसकी भी समस्याएं लोगों में आ रही हैं, डेंगू है, मलेरिया है, इसको पहचानने का क्या कुछ तरीका है और इसके लिए कौन सी जांच करवा लेनी चाहिए और कितने दिन के अंदर, बुखार अगर आ रहा है तो कितने दिन के अंदर जांचें करवा लेनी चाहिए? देखिए, कभी भी यदि बुखार आता है तो हमें यह देखना चाहिए कि बुखार किस क्रम का है, निम्न है, मध्यम क्रम का, या बहुत तेज आने वाला बुखार है, फिर उसका स्वरूप क्या है, लगातार बना हुआ है या बीच बीच में टूट कर बना हुआ है, फिर उसके साथ और अन्य समस्याएं क्या है, क्या सर्दी लग के बुखार आ रहा है, या हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, या हमारी शरीर में बुरी तरह मांसपेशियों में इतनी जकड़न है कि हम उठ बैठ नहीं पा रहे, या हमारे जोड़ों में इतना दर्द है कि हम खड़ा खड़े होना या हमारे रूटीन गतिविधियां उन पर बहुत पाबंदी लग गई, इस तरह की परिस्थितियों को हमको पहले समझना पड़ेगा। तो मोटे तौर पर वर्गीकृत यदि हम करें तो टूट टूट कर यदि सर्दी लगकर तेज बुखार आता है तो सामान्य तौर पर मलेरिया के पक्ष में मामला जाता है। यदि तेज बुखार लगातार बना रहा है और उसके साथ पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा शिथिलता, कमजोरी, थकान और उठने बैठने तक में चक्कर आना और ये सारी समस्या रहे तो मैं समझता हूँ कि हमको एक बार वायरल या चिकन डेंगू की तरफ ध्यान देना चाहिए। और यदि यही बुखार जोड़ों में बहुत तेज दर्द के साथ यदि हमारे साथ हमारे शरीर में आता है तो हमें उसको चिकनगुनिया की तरफ मोड़ कर देखना चाहिए। ये तो हो गया एक आम व्यक्ति के लिए कि वो पहले किस चीज़ को फोकस करे, उसके सामान्य ज्ञान के लिए, उसके उसके खुद के, मैं समझता हूँ कि सामान्य ज्ञान के लिए बात होगी। उसके बाद बात आती है उसके मूवमेंट की। यदि लगातार बुखार दूसरे दिन भी बना रहे तो निर्देश यह रहता है कि उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा पिए, ये मरीज के लेवल पर, खाना सामान्य खाएं, हल्का भोजन करें, ताज़ा भोजन करें, ये छोटी छोटी सावधानियाँ उसकी तरफ, साथ ही शरीर और मैं समझता हूँ मौसम अनुकूल वातावरण के जो कपड़े होते हैं उनका उपयोग करें। अब मामला आता है यदि बुखार लगातार है तो फिर वो चिकित्सक की परामर्श जरूर लें। और यदि चिकित्सक उसको अलग अलग किस्सा की श्रेणी में रखता है, सामान्य बुखार को वो सामान्य तौर पर देखकर दवाई लिख के ये निर्देश के साथ भेज देता है कि यदि बुखार बना रहे या तेज़ी से बुखार बढ़े या समस्या बढ़े तो तुरंत दिखा लें, चिकित्सक की सलाह को जरूर माने। मध्यक्रम का बुखार रहता है तो फिर चिकित्सक जाँच करवाता है, तो कोशिश करें कि इन जाँचों को यदि आप प्राइवेट में नहीं करा सकते सरकारी अस्पताल में जरूर कराएँ। और यदि तेज बुखार आता है जिसमें ऐसा लगता है कि हमें उल्टियाँ हो रही, सर दर्द हो रहा, बदन दर्द हो रहा, हम कुछ खा पी भी नहीं पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में चिकित्सक की सलाह माने और जहाँ भी अपनी क्षमता हो उसके अनुरूप शासकीय या निजी चिकित्सालय में भर्ती होकर उस पर जरूर ध्यान दें। और जांचों के आधार पर अगले कुछ घंटों में ही रिपोर्ट आ जाती है तो उसके आधार पर जो चिकित्सक सलाह दे उसका पूरा इलाज कराएं। सामान्य तौर पर लोग पूरा इलाज कराने में भी कहीं ना कहीं कोताही या मनमर्जी चलाते हैं जो नहीं होना चाहिए। और एक और भ्रम है लोगों में प्लेटलेट को लेकर, मैं आपको इस बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि प्लेटलेट यदि कम हो गए तो निश्चित तौर पर वायरल फीवर के उसमें पक्ष में जाते हैं, लेकिन सभी में डेंगू निकले ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि प्लेटलेट लगातार
अलग अलग चरणों में कराई गई जांचों में लगातार कम होते चले जाएं तो उस पर ध्यान देना चाहिए। लोगों में बहुत भय है प्लेटलेट को लेकर, 40-50 हज़ार तक भी प्लेटलेट है तो मैं समझता हूँ कि जब तक लाल चकत्ते और कहीं से खून का रिसाव ना हो तब तक चिंता की बात नहीं होती। उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी, हल्का भोजन और दवाइयाँ का सेवन और आराम, ये चीज़ें होती। लेकिन प्लेटलेट यदि 10,000, 15,000, 20,000 के आसपास हैं तो वो चाहे रोगी को कोई भी लक्षण ना हो, सिर्फ प्लेटलेट के आधार पर ही उसे चिकित्सक की सलाह मानना ही चाहिए, क्योंकि ये 10,000 के आसपास जब प्लेटलेट पहुंच जाती है तो कभी भी एक घातक स्वरूप लेकर कहीं से भी रक्तस्राव करती है जो कई बार मृत्यु का कारण बन जाती है। डॉक्टर पांडे, सामान्य तौर पर बच्चों में डायरिया इस मौसम में देखा जाता है, तो डायरिया अगर हो रहा है और ये समस्याएं हो रही हैं बच्चों में, तो घर में क्या कुछ तरीका माताओं को अपनाना चाहिए, किस तरह का जो डिहाइड्रेशन की समस्या हो तो उससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? दूसरा, फंगल इन्फेक्शन की बात की थी डॉक्टर पोलीवाल ने, फंगल इन्फेक्शन में के लिए आयुर्वेद में क्या कुछ इलाज? जैसा कि हमने आपने पूछा कि बच्चों में डायरिया का कारण जो है, तो नेचुरली है कि पानी का जो है इन्फेक्शन होने की वजह से, तो हम पानी को 20 मिनट तक उबाल कर पानी पिए और खाना खाने के पहले हाथ को जरूर धोएं। और इस समय जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि इस समय अतिसार, ग्रहणी प्रवाहिका इत्यादि रोग कम हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण जो है अवेयरनेस है। लगभग सभी लोग हाथ धोकर ही खाना खा रहे हैं, लेकिन 20 मिनट तक पानी हम उबाल कर पिए तो बहुत अच्छा जो है ये इन रोगों से बचा जा सकता है। साथ ही हमारे यहाँ कुछ चूर्ण हैं जिनका बच्चों में हम लोग उपयोग करवाते हैं, जैसे बाल चातुर्भुज चूर्ण है, गंगाधर चूर्ण है, धातक आदि चूर्ण है, ऐसे कुछ चूर्ण है, कुछ वटियाँ हैं, संजीवनी वटी हैं, इनके सेवन से हम जो है डायरिया डिसेंट्री से बच सकते हैं। इसी प्रकार से जो फंगल इन्फेक्शन जो स्किन में भी आजकल देखा जा रहा है, ददरू जो है गीले कपड़े पहनने से ये बीमारियाँ हो रही हैं, तो ये क्या है कि इस प्रकार की स्किन डिसीज देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि आप जो है चुस्त कपड़े ना पहने, गीले कपड़े ना पहने, बिल्कुल सूखे कपड़े होना चाहिए, तो इन बीमारियों से हम स्किन डिसीज से बचा जा सकता है। अपने साबुन अलग रखें, टॉवल अलग रखें, अपने जो है सारे कपड़ों को बिल्कुल सुखा के बिल्कुल सूखे कपड़ों को पहनें, और फिर ज़्यादा है तो फिर चिकित्सक से सलाह लेकर अपनी चिकित्सा करवाएं। जी, इसमें कोई घरेलू इलाज भी किया जा सकता है इस तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन अगर? हाँ, घरेलू इलाज में क्या है कि हमारे यहाँ क्या ददुक नबटी है, उसको क्या है कि घिसकर जो है अगर हम लगाते हैं तो जो है ये स्किन का फंगल इन्फेक्शन जो है उसके उसको ठीक किया जा सकता है। टंकण भस्म है जो सुहागा जिसको कहते हैं, ये भी बहुत यूजफुल है। सुहागा को जो है हम गर्म करके और इसको शुद्ध करके अगर हम इसको लें तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार में भी फायदा करता है। इसी प्रकार से अगर उसको हम लगाएं पानी में तो वो स्किन डिसीज में भी फायदा करता है। तो इस प्रकार से हम अपनी किचन में ही जो हमारे यहाँ मसाले हैं इनके, ये ही एक मतलब एक छोटा सा चिकित्सालय है और इससे हम मतलब बच सकते हैं। जैसे अगर पेट में गैस बन रही है तो हींग का हम अत्यधिक सेवन करवाएं, अगर कहते हैं शुगर बढ़ रही है तो तेज पत्र का सेवन करें, ब्लड में अगर कोई स्किन डिसीज है तो हल्दी का जो सेवन बढ़ा दें, तो ऐसे हम जो है घर के डोमेस्टिक चीज़ों से ही हम अपना जो है उपचार हम कर सकते हैं। बिल्कुल, आप तीनों का हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। आज किस तरह मौसम की, जो बरसात के मौसम की में बीमारियां फैलती हैं उससे किस तरह बचना चाहिए, क्या कुछ तरीका अपनाना चाहिए, क्या कुछ रोकथाम होनी चाहिए, और आसपास जो जल भराव है उससे किस तरह अपने आप को बचाना, किस तरह सुरक्षित रखा जाए, इसकी चर्चा हमने की। तो हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहें DNN के साथ।